चलो गुड मॉर्निंग। हाँ वॉइस ऑडिबल है। चलो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ स्टोकियोमेट्री व्हिच इज यूट्रोमेट्री। इसको तुम नेक्स्ट टॉपिक भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी। कैन कंसिडर इट एज अ नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो। पैरेलल रिएक्शन समझ में आ गया था जो तो मैंने पढ़ाया था पिछले। चलो नाउ विल टॉक अबाउट यूट्रोमेट्री। इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भाई स्टोकियोमेट्री का ही है। यूडियोमेट्री EUDIO, यूडियोमेट्री। यस विच इज गैस एनालिसिस। यूडियोमेट्री विच इज गैस एनालिसिस। समझे क्या? तो हम लोग जो स्टोकियोमेट्री में पढ़ रहे थे वही कंसेप्ट लगाएंगे, मगर अब हम लोग यहां पे सिर्फ गैसेस के बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन के फॉर्म में देखा है गैसेस के बारे में, राइट? बट इसमें हम लोग प्योरली गैसेस के फॉर्म में बात करेंगे। इसको तुम नेक्स्ट टॉपिक मान सकते हो, गेटिंग ना? स्टोकियोमेट्री के आगे नेक्स्ट टॉपिक मान सकते हो उसको, राइट? तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वील स्टडी अबाउट, इसमें पहले बता देता हूं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। वील स्टडी स्टडी अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ गैस मिक्सचर, इन दिस वील स्टडी अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ गैस मिक्सचर। यस देन वील स्टडी अबाउट द वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। देन वील स्टडी अबाउट टू डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। And then to determine the molecular formula of gases,
थोड़ा बहुत तो मैंने बताया था तुमको, मगर अब प्रॉपरली इसको देख लेते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले जैसा मैंने तुम्हें बताया, गेल इज़ैक लॉ, ऑफ स्टोइकियोमेट्री, बात कर रहा है एलआर और पीओएसी के क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं समझता है। क्या डिफरेंस नहीं समझता? मैंने कहा था कि एलआर के क्वेश्चन में पीओएसी नहीं लगाना है, स्टोकियोमेट्री लगाना है। किस तरह का डिफरेंस नहीं समझता है पार्थ? रुको मैं माइक ऑन कर रहा हूं। सर समटाइम्स आई फाउंड द क्वेश्चंस अ बिट सिमिलर। हाँ पार्थ बोलो। सर समटाइम्स आई फाउंड द क्वेश्चंस ऑफ एलआर एंड पीओसी अ बिट सिमिलर। हाँ, तो दे आर ऑल दे आर और दे विल बी सिमिलर ना। क्यों सिमिलर नहीं होंगे भाई? एलआर लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब वो स्टोकीमेट्री है ना, और स्टोकीमेट्री का हर क्वेश्चन पीओएसी से होता है। एलआर कब लगता है? लिमिटिंग रिएजेंट का यूज कब आता है? जब हमको सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दिया रहता है और पूछा जाता है कितना प्रोडक्ट बन रहा है, तभी एलआर को यूज करते हैं ना हम लोग। मतलब हम ये देखते हैं उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो स्टोकियोमेट्री चलाता है, यही करते हैं ना हम लोग, और क्या करते हैं। अब तुम कह रहे हो तुमको डिफरेंस समझ, उसमें डिफरेंस है ही नहीं। डिफरेंस समझेगा क्या? उसमें डिफरेंस होता ही नहीं है, होता ही सेम है। स्टोकियोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन पीओसी से सॉल्व कर सकते हैं, मगर मैंने क्लास में स्पेसिफिकली बताया है कि जब लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज कर रहे हो, डू नॉट यूज पीओएसी, सॉल्व यूजिंग स्टोकियोमेट्री। और ये कब पता चलेगा? जब हमें लिमिटिंग रिएजेंट कब यूज करना है, मैंने क्लियरली बताया था। क्या बताया था? आई हैव टोल्ड इन द क्लास दैट कि अगर हमको क्वेश्चन में स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स दिया गया है, मास हो सकता है, मोल हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, और पूछा गया है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो पहले यह देखना है कि वो जो रिएक्टेंट का स्टार्टिंग अमाउंट दिया गया है वो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो के कोफिशियंट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर स्टोकियोमेट्रिक रेशियो के कोफिशियंट के अकॉर्डिंग है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी रिएक्टेंट का अकॉर्डिंग स्टोकियोमेट्री चला दो। बट अगर स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इन द रेशियो ऑफ देयर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, देन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एलआर कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही स्टोकियोमेट्री चलाएगा। दिस मैंने इस तरह समझाया क्लास में, और मैंने स्पेसिफिकली बताया है कि पीओएसी कब यूज करेंगे, जब तुमको कुछ ना दिया हो, तुमको रिएक्टेंट, तुमको पूरा केमिकल इक्वेशन नहीं दिया गया, तुमको सिर्फ ये बताया ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट आ रहा है, तो जो एटम कंजर्व हो रहा है उसका पीओएसी लगा दो। समझे क्या? तो बेसिकली उसमें डिफरेंस नहीं है कि तुमको डिफरेंस नहीं समझ रहा, उसमें डिफरेंस है ही नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट इज अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस कैन बी सॉल्व बाय स्टोकियोमेट्री, केमिकल रिएक्शंस कैन बी सॉल्व बाय पीओएसी, उसमें डिफरेंस होता ही नहीं। बस हमें किस समय कौन सा तरीका यूज करना है वो हमें देखना पड़ेगा। यस और नॉट? यस सर, यस सर, क्लियर हुआ ना?
यस सर, थैंक अब यू। साक्षी पूछ रही है एलआर स्टोकियोमेट्री पीओएसी एक साथ आएंगे तो फिर फाइंड आउट कैसे करेंगे, एक साथ आते ही नहीं है कभी। तुमको सिंपल क्वेश्चन दिया रहता है, तुमको वो सॉल्व करना होता है। अब तुम वो क्वेश्चन चाहे स्टोकियोमेट्री सॉल्व करो, चाहे तुम पीओएसी से सॉल्व करो। तुमको क्वेश्चन दे दिया जाके, भाई ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, तो बताओ उसमें कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम स्टोकियोमेट्री सॉल्व करना चाहते हो कि तुम पीओएसी से सॉल्व करना चाहते हो। बट अगर उसमें लिमिटिंग रिएक्शन का कंसेप्ट है तो उसको स्टोकियोमेट्री से सॉल्व करना है। यस, और पीओएसी कब लगेगा? जब तुमको केमिकल इक्वेशन नहीं दिया गया है, तुमको पूरा बैलेंसिंग भी नहीं दिया गया, तुमको बस ये कहा गया है कि ये रिएक्टेंट है और ये बस इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो एटम्स का कंजर्वेशन लगा लेंगे। तो ये लिजाक लॉ, क्लियर हुआ क्या बात? यस तो सर, अगर अभी हम आगे बढ़ेंगे, लिजाक लॉ क्या सिंपल स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स रिएक्टेड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स रिएक्टेड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म आर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, दे आर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। यस, देखो, और ये मैं बता चुका हूं तुमको। अभी देखो, जो मैंने जो बताया है वही लिखा है, उस समय बस डेफिनेशन नहीं बताया था। हुआ गया? डन, क्या आगे बढ़े? आगे बढ़ जाए क्या? जल्दी लिखो, ये जो मैंने लिखा है ये मैं तुमको सिखा चुका हूं, अभी देखो करूंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा।
अभी ऑडिबल है? वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद थ्री वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव व्हाट? टू वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया। यस, ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है ना, है कि नहीं? इजन्ट इट राइट? तो वही इसमें कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स यूज्ड या वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स रिएक्टेड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर एंड द वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। यस, तो जैसे मैं ऐसे लिखता हूं, वन नाइट्रोजन प्लस वन नाइट्रोजन गैस प्लस थ्री हाइड्रोजन गैस गिव्स टू एन एच थ्री गैस। समझे क्या? राइट, तो इसका सीधा सीधा क्या बताएंगे? सीधा सीधा बताएंगे एक्स वॉल्यूम नाइट्रोजन यूजेस थ्री एक्स वॉल्यूम हाइड्रोजन टू गिव टू एक्स वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। यस नॉट? राइट, दिस इज ओनली गेलिस। और ये तो हमने पढ़ा हुआ, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। यस नॉट? राइट, अब चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े क्या? अब मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट टेबल दूंगा, उसको ध्यान से देखना, क्योंकि अभी दो तीन कंसेप्ट बाद हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें वो यूज होने वाला है। ठीक है, यहां पे लिखो सम एब्जॉर्बेंस ऑफ गैसेस। अब जो टेबल दूंगा वो याद करना है। गिवन गैसेस कैन बी एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। मतलब कुछ गैसेस लिख रहे हैं और उसके बाद वो लिखेंगे कि वो गैस को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है। यस नॉट? सब्सटेंसेस और एब्जॉर्बेंट, 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 एब्जॉर्बेंट क्या है? एब्जॉर्बेंट क्या है? विच कैन एब्जॉर्ब, विच कैन एब्जॉर्ब। यस नॉट? चलो पेज चेंज करूं। अब टेबल दे रहा हूं, उसको याद करना पड़ेगा। एक टेबल लिखकर दे रहा हूं, थ्योरी है, याद करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हुआ गया? हो गया? जल्दी करो।
डन। चलो टेबल बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहां पे लिखा मैंने एब्जॉर्बेंट, और उसके बाद यहां पे लिखा गैस, गैसेस और गैस एब्जॉर्ब। इसमें जैसे पहला दिया मैंने, ध्यान से देखना, सही लिखना, गलत कॉपी मत करना। टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल क्या एब्जॉर्ब करता है? टर्पेंटाइन ऑयल एब्जॉर्ब ओजोन। टर्पेंटाइन ऑयल एब्जॉर्ब ओजोन, यस नॉट? एड्सॉर्बेंट वो दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज है एड्सॉर्बेंट, मैंने एब्जॉर्बेंट लिखा है। होता है वो हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। दूसरा अल्कलाइन पैराग्लॉल, अल्कलाइन पैरा गैलॉल, अल्कलाइन पैराग्लॉल, दिस एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन। तीसरा फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, FeSO4 सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जो है दिस एब्जॉर्ब्स एनओ, नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस एब्जॉर्ब्स एनओ, नाइट्रिक ऑक्साइड, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, FeSO4 सॉल्यूशन। राइट। चौथा चौथा जो है हीटेड मैग्नीशियम, हीटेड मैग्नीशियम, दिस एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन गैस, दिस एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन गैस, यस। और मैं यहां पे बता देता हूं किस तरह से एब्जॉर्ब करता है, मैग्नीशियम, थ्री मैग्नीशियम प्लस N2, दिस गिव्स Mg3N2। एनीवेज ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर से पढ़ेंगे। हीटेड मैग्नीशियम एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन गैस, राइट। फिर हीटेड पलाडियम, पलाडियम इज ऑल्सो मेटल, जैसे मैग्नीशियम मेटल है उसी तरह पलाडियम भी क्या है, मेटल है, यस। हीटेड पलाडियम एब्जॉर्ब्स हाइड्रोजन गैस, हीटेड पलाडियम एब्जॉर्ब्स हाइड्रोजन गैस। हीटेड पलाडियम एब्जॉर्ब्स हाइड्रोजन गैस,
समझे क्या? राइट, देन नंबर सिक्स, अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड मतलब अमोनिया प्लस क्यूपरस क्लोराइड, CU2Cl2, अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड, दिस एब्सॉर्ब्स, ये बहुत सारे गैसेस एब्सॉर्ब करता है, दिस कैन एब्सॉर्ब O2, ध्यान से देखना, दिस कैन एब्सॉर्ब O2, एब्सॉर्ब कर सकता है CO, एब्सॉर्ब कर सकता है एसिटिलीन, एब्सॉर्ब कर सकता है C2H2, C2H2 तो पढ़ लिया ना तुमने नॉमेनक्लेचर में, एसिटिलीन एब्सॉर्ब कर सकता है, यस, C2H2 इज HC, यस, अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड सॉल्यूशन, राइट। उसी तरह से नंबर सेवन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन एब्सॉर्ब, अरे यार ये सेव होने में क्या टाइप कर लेता है, जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, चला गया, मैं दोबारा नहीं लिखने वाला, स्क्रीनशॉट लिया गया किसी ने, सेव भी नहीं हुआ होगा, स्क्रीनशॉट लिया तो डाल दो, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लिया हो तो डाल दो, ओपन करता हूं दोबारा, आखिरी के दो तीन और बचे हुए हैं, ओपन होने दो, हाँ ठीक है, लास्ट में बचा हुआ है, ठीक है मैं फिर से लिख दूंगा, कॉपर सल्फेट या अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड, देखो सेव कहां तक हुआ है, सेव हुआ है क्या, देखना पड़ेगा, अगर सेव हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो बहुत बुरी बात है, शायद सेव हो गया होगा, पूरा नहीं हुआ, कहां तक हुआ है, कितना कमजोर है ये, मतलब पूरा लिख के रख दो, सेव ही नहीं करते, ये देगा Mg3N2, यस, फिर नंबर फाइव मैंने क्या लिखा था, हीटेड पलाडियम, नंबर फाइव मैंने लिखा था, हाँ लिख रहा हूं रुको, हीटेड पलाडियम एंड ये होगा पलाडियम एब्सॉर्ब्स हाइड्रोजन गैस, समझे क्या, राइट, फिर नंबर सिक्स अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड, अमोनिकल
क्लोराइड, अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड क्या है? अमोनिया प्लस CO2Cl2। अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड इट कैन एब्जॉर्ब कार्बन मोनोऑक्साइड, यस राइट, इट कैन एब्जॉर्ब एसिड C2H2। अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड, हाँ ठीक है। अब सेवन CuSO4 सोल्यूशन सल्फेट जो है दिस कैन एब्सॉर्ब दिस कैन एब्सॉर्ब H2S गैस, यस दिस कैन एब्सॉर्ब PH3 गैस, एब्सॉर्ब ASH3। H2S इज हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S गैस इज हाइड्रोजन सल्फाइड, PH3 गैस फॉस्फीन एंड ASH3 इज आरसीन। राइट फिर आखिरी के दो बचे हुए हैं, ऊपर के दो हटा दूं, आखिरी के दो लिखने, नेक्स्ट पेज में चले, चलो नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हो गया, हुआ गया। चलो अगला we have absorbent and gas or gases absorbed. राइट तो ये है नंबर एट, नंबर एट है कॉन्सेंट्रेटेड, नंबर एट है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है दिस एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर वाटर वेपर, दिस एब्सॉर्ब्स वाटर वेपर मॉइस्चर यस एज वेल एज अमोनिया। देन नंबर नाइन NaOH और KOH, NaOH और KOH दिस विल एब्सॉर्ब NaOH और KOH दिस विल एब्सॉर्ब ऑल एसिडिक गैसेस, दिस विल एब्सॉर्ब
CO2 SO2 SO3 N2O3 N2O4 NO2 N2O5 Cl2 Br2 I2 etc. ऑल एसिडिक, यहां पे पहले एक्सेट्रा लिखता हूं, एक्सेट्रा दैट इज ऑल एसिडिक ऑक्साइड्स या ऑल एसिडिक गैसेस एज वेल एज दिस विल ऑल्सो एब्सॉर्ब हैलोजन्स. सीधा सीधा तुमको नाम लिख कर देता हूं, Cl2 Br2 I2 क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन. यस, इसको लिखो पहले जल्दी से. आरसीन है, आरसीन प्रणव, ARSINE. आरसीन है, ARSINE, वो लास्ट वन. फॉस्फीन के बाद में क्या लिखा है? फॉस्फीन के बाद में मैंने आरसीन लिखा है. कहां कहां लिखा है मैंने? ये ARSINE, ठीक है, ARSINE लिख लिया. क्लियर? क्या आज पहले थ्री लिखवा देता हूं, सारा सॉरी थैंक यू यही बोल लो, तुम लोग सब सारी रिश्तेदारी यही निभा लो. चलो हो गया डन. क्या लाइन तो बना लूं? चल तो आगे बढ़ेंगे. नाउ कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एन जी, ध्यान से देखना. कैलकुलेशन ऑफ, हाँ, सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मैंने सीओ लिखा है. सीओ इज कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ इज कार्बन मोनोऑक्साइड. सीओ जो है दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एन जी. अब देखो, फॉर अ कंसिडर
बैलेंस्ड गैस फेज रिएक्शन, राइट? कैसा? प्लस एन टू बी गैस गिव्स एन थ्री सी गैस प्लस एन फोर डी गैस, ठीक है, राइट? तो इसमें डेल्टा एन जी इज गिवन बाय समेशन मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट्स। ध्यान से देखना, तो मतलब यहां से डेल्टा एनजी कितना हो गया, मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट्स। बैलेंस इक्वेशन में गैस प्रोडक्ट्स एन थ्री मोल्स ऑफ सी एंड एन फोर मोल्स ऑफ डी, यस? तो कितना हो गया, एन थ्री प्लस एन फोर माइनस समेशन मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट्स, एन वन मोल्स ऑफ ए एंड एन टू मोल्स ऑफ बी माइनस कितना, एन वन प्लस एन टू, ये आ गया हमारे पास डेल्टा एन जी। इसको लिखो, फिर पेज चेंज करता हूं। हुआ लिख के, हो गया लिख के डन। चलो तो जैसे, हाँ वेट कर रहा हूं, लिखो आराम से। देखो जल्दी, हो गया? डेल्टा एनजी मतलब चेंज इन मोल्स, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, एनजी मतलब एन मतलब मोल्स, जी मतलब गैस, चेंज इन मोल्स ऑफ गैस। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा ये जो है, ये इसका मतलब होता है चेंज, एन मतलब मोल्स, जी मतलब गैस, चेंज इन मोल्स ऑफ गैस। तो वही है ना, समेशन मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट, ठीक है, राइट? हो गया, अभी पेज चेंज करूंगा। कैमरा जिसको ऑन है बंद कर लो भाई। यस, पेज चेंज करूं। चलो तो जैसे इसमें क्या कहा जा रहा है, डेल्टा एन जी
पहले यहीं पे बताता हूँ, यहीं पे लिख के बताता हूँ। डेल्टा एन जी कैन बी मोर देन लेस देन और इक्वल टू जीरो। डेल्टा एन जी कैन बी मोर देन लेस देन और इक्वल टू जीरो। हुआ? हुआ क्या? देखा, तो केस वन, डेल्टा एन जी इज मोर देन जीरो, दैट इज मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट्स आर मोर देन मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट्स। यस राइट। और जब ऐसा होता है, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे एग्जाम्पल वन लिया मैंने, सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिया पी सी एल फाइव गैस गिव्स पी सी एल थ्री गैस प्लस सी एल टू गैस, वन वन एंड वन। ठीक, बताओ इसका डेल्टा एनजी, बताओ इसका डेल्टा एनजी, बताओ। समेशन मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट्स। यस, कितना डेल्टा एनजी होगा इसका? मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट्स कितने? वन प्लस वन माइनस वन। डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा? डेल्टा एनजी आ जाएगा प्लस वन, विच इज मोर देन जीरो। यस नॉट राइट? एंड बात समझ में आ गया राइट? और क्या बोला जाता है? व्हेन डेल्टा एन जी इज मोर देन जीरो, तो ये बोला जाता है कि एक्सपेंशन अकर्स, एक्सपेंशन अकर्स इन अ रिएक्शन। यस नॉट? ऑब्वियस सी बात है ना, डेल्टा एन जी मोर देन जीरो होगा तो एक्सपेंशन ही होगा ना यार, पर क्या होगा? मतलब ज्यादा हमने कम गैस यूज किया और उसके बदले हमें ज्यादा गैस मिल गया, तो गैस बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है ना, एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? एक्सपेंशन अकर्स इन अ रिएक्शन। यस नॉट? सही है कि नहीं? क्लियर राइट? उसी तरह से अब केस टू, डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो, दैट इज मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट्स आर लेस देन मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट्स। Yes? जैसे एग्जाम्पल, एसओ टू गैस प्लस हाफ ओ टू गैस गिव्स एसओ थ्री गैस। यस, बताओ जरा इसमें डेल्टा एनजी, बताओ
डेल्टा एन जी क्या होगा, समेशन मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट्स, कितना हो गया? कोफिशिएंट्स देखो जरा, ये है वन, ये है वन हाफ और ये है वन। क्या कोफिशिएंट हो गया है? कोफिशिएंट हो गया है वन माइनस वन प्लस हाफ, कितना हो गया? माइनस हाफ। है कि नहीं? राइट। और अब तुम खुद ही सोचा होगा, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? मतलब तुमने ज्यादा गैस लिया और तुमको बदले में कम गैस मिला, यस नॉट? तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, बोलो, इजंट इट? कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, राइट? गेट इट? तो ये लिख लो, इवन डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। लिख लो, व्हेन डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। When डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, ठीक है? लिखा, When डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। क्लियर? एंड लास्ट केस थ्री, केस थ्री, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। यस, जैसे एग्जांपल ये मैंने लिया H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस, उसी तरह से H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। यस, तो इन दोनों के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ पे इधर पे डेल्टा एन जी कितना है, समेशन मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट्स, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। समझे क्या? राइट। और जब ऐसा होता है, व्हेन डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, तुमने जितना गैस लिया था तुमको उतना ही गैस मिला, समझे क्या? जितना वॉल्यूम गैस का लिया तो तुमको उतना ही वॉल्यूम गैस का मिला। व्हेन डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो, सीधा सीधा बताया जाएगा, नो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन अकर्स। नो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन अकर्स।
Yes or not? There is no contraction or expansion. हुआ क्या? लास्ट स्लाइड देखो, लास्ट स्लाइड हो गया। डन। चलो मैं कुछ रिएक्शन दे रहा हूं तुमको, गैसियस रिएक्शन दे रहा हूं। ये आप तो कैलकुलेट डेल्टा एनजी, ठीक है? कैलकुलेट डेल्टा एनजी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। जल्दी से लिखो, टाइम नहीं हमारे पास। कैलकुलेट डेल्टा एनजी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। चलो मैं रिएक्शन दे रहा हूं तुमको। पहला रिएक्शन मैंने दिया, अमोनिया गैस गिव्स हाफ एन टू गैस प्लस 3y2h2 गैस। यस। सेकेंड मैंने तुमको दिया, CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है? तीसरा सपोज करो मैंने दिया तुमको, SO3 गैस 2SO3 गैस गिव्स 2SO2 गैस प्लस O2 गैस। चौथा सपोज करो मैंने तुमको दिया, सपोज कर लो N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO गैस, राइट? फिर फिफ्थ जो है, सपोज करो इफ आई गिव यू अमोनिया गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स NH4Cl सॉलिड, ठीक है? देन सॉलिड सॉलिड गैस होता है क्या? मैंने फॉर्मूले में क्या लिखवाया? गैस को लेना है ना, सॉलिड गैस होता है क्या? यार दिमाग नहीं लगाते हो तुम लोग, तभी गुस्सा आता है मुझे। क्या लिखवाया यहाँ पे? मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट। सॉलिड है क्या यहाँ पे? सॉलिड है क्या यहाँ पे? तो फिर डेल्टा एनजी निकालने के लिए क्या करना है? गैस प्रोडक्ट्स के मोल्स माइनस गैस रिएक्टेंट मोल, बस बात खत्म। अगला है इधर पे CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। उसके बाद नेक्स्ट है CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2H2O गैस। बस इतना इतना कर लो बस, ठीक है? अरे डबल नहीं दिया रे, मेरे को पागल समझाया गया कि मैं डबल लिख दूंगा। ये गैस लिक्विड लिखा है और ये गैस लिखा है। एक और दे देता हूं, दो और दे देता हूं, तीन और दे देता हूं। एच सपोज करो ये मैंने दिया
CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड गिव्स 2CO गैस। अगले पेज में लिखता हूं, पेज चेंज करूं? रुक जाओ ना, दो दो तीन लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, टाइम टाइम। टू सीओ गैस, एच के बाद आई, S8 सॉलिड, देन लास्ट जे। जे मैं तुम्हें दे देता हूं, सीओ गैस प्लस हाफ ओ टू गैस गिव्स सीओ टू गैस। ठीक है, 10 दिए मैंने, 10 रिएक्शन दे दिए, राइट। यू हैव टू फाइंड आउट द डेल्टा एनजी फॉर दीज 10 रिएक्शन। हो जाएगा, कर लोगे, इन 10 रिएक्शन का डेल्टा एनजी निकाल लोगे क्या? ठीक, चलो विल स्टॉप इट, थैंक यू, बाय, टेक केयर, इसके आगे विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, चलो प्रीवियस स्लाइड देख लो, प्रीवियस स्लाइड, बाय बाय।